मेरा खत्म हो रहा है, जाओ बैठा आ जाओ आ जाओ कपिल जी। ऐसे प्रेम किया सर, क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्था की गई, क्योंकि टूर्नामेंट अब दंगे के बाद ये टूर्नामेंट रखा गया है तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि विदेशी यहाँ पे खिलाड़ी हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में ये जो भावना सेहत मेमोरियल लॉन टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो रहा है 10 तारीख से, और इसके लिए प्रशासन ने जो तैयारियाँ इनके कमेटी के मेम्बरानों क्लब के मेम्बरान से की थी, उसमें चूँकि खिलाड़ियों को ठहराने की व्यवस्था इनकी क्लब वालों की है, और उसमें पुलिस व्यवस्था हमारी तरफ से कप्तान साहब ने डिप्यूट कर रखा है कि जिन जिन होटल्स में ये खिलाड़ी रखे हैं उनकी सिक्योरिटीज़ को देखते हुए महिला कांस्टेबल और आपके पुरुष कांस्टेबल इसमें एसोस लगाए गए हैं। जो गाड़ियां स्पेशल इन खिलाड़ियों को लाने में लगी हैं उनके नंबर आइडेंटिफाई हैं, उनके ड्राइवर के नंबर आइडेंटिफाई हैं, उनके साथ भी सिक्योरिटी रहेगी। इसके अलावा जो यहाँ पर क्लब में जहाँ ये मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर भी विदाउट पास से एंट्री मना है, यहाँ पे भी सिस्टम सिक्योरिटी रखा गया है, फायर सर्विस की व्यवस्था है, खिलाड़ियों के सॉफ्ट ड्रिंक की व्यवस्था रखी गई है, और हमारा पूरा प्रयास ये है कि विदेशी खिलाड़ियों को होटल से यहाँ आने में, यहाँ प्रैक्टिस करने में और वहाँ जाने तक उन्हें किसी तरह असुविधा का सामना करना पड़े। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी SP ट्रैफिक साहब मीटिंग में उपस्थित थे, उनको भी बताया गया है, और बाकी जो भी क्लब के मेम्बरान ने जो भी हमसे रिक्वायरमेंट मांगी है पुलिस कॉन्स्टेबल की सारी व्यवस्था उनके अंदर कर दी है। क्या माना जाए कि जो टूर्नामेंट किया जा रहा है कहाँ कहाँ से कितने विदेशी नागरिक हैं इसमें? लगभग मेरे ख्याल से 23 देशों के खिलाड़ी आ रहे हैं, लगभग 70 खिलाड़ी अब तक आ चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और ये जनपद मुजफ्फरनगर के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि इन विदेशी खिलाड़ियों ने जब यहाँ पे क्लब में आ रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं जनपद मुजफ्फरनगर का नाम भी रोशन होगा। जब ये खिलाड़ी अपने देशों में वापस जाएंगे तो इस मुजफ्फरनगर जनपद की विशेषताओं को भी साथ ले जाएंगे। ठीक है, करीब ये 25,000 डॉलर का टूर्नामेंट है जो कि 3 या 4 साल बाद हो रहा है मुजफ्फरनगर में और राजकोट पे हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अलग सरफेस है जिसमें बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं आए थे। विंबलडन जो ग्रैंड स्लैम है वो भी राजकोट पर होता है, और बाकी इंडिया में ये खाली साल पहला ही टूर्नामेंट है जो राजकोट पर हो रहा है इंटरनेशनल और इसके अंदर 32 खिलाड़ी मेन ड्रॉ में रहेंगे और 32 खिलाड़ी मेन ड्रॉ में रहेंगे। लगभग करीब 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्वालिफाइंग का साइन इन आज 4 से 6 के बीच में होगा और क्वालिफाइंग के मैचेस कल से स्टार्ट होंगे और मेन ड्रॉ स्टार्ट होगा हमारा मंडे से। व्यवस्था काफ़ी अच्छी लग रही है जो कि यूजुअली होती है, कोच अच्छे लग रहे हैं, बाकी खेलेंगे कैसे कल ही पता चलेगा, प्लेयर्स की काफ़ी अच्छी देखभाल कर रहे हैं, उनको अपने एक परिवार की तरह से माना जाता है, यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत ही वार्म हॉस्पिटैलिटी मिलती है, मीडिया में काफ़ी अच्छी कवरेज मिलती है, प्लेयर्स की फोटोग्राफ आती है, जिससे कि खिलाड़ी। सो आई होप एवरीबडी गोज बैक विद फॉर्म फैमिली।